जय हिंद बच्चों, अगले न्यूमेरिकल के साथ हम जुड़ रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 4, एक विलयन में बेंजीन का 30 द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन ट्रेफ्लोराइड में घुला है। बेंजीन के मोल अंश की गणना करिए। बेंजीन मतलब C6H6, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, दोनों के अणुभार देख लें। बेंजीन का अणुभार 78, कार्बन टेट्राक्लोराइड का अणुभार 154। बेंजीन 30% है, इसका सीधा मतलब है जो विलायक कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसको जो है उसका परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक कंपोनेंट 30% है, दूसरा 70 हो जाएगा, 100-30 70%। इनको द्रव्यमान मास है तो सीधी सी बात है कि इनका हम यन और यन निकाल लें। मोल अंश की गणना के लिए, बेंजीन के मोल अंश निकालने के लिए क्या करेंगे, स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एन अपान स्मॉल डब्ल्यू बाई स्मॉल एन प्लस कैपिटल डब्ल्यू बाई कैपिटल 0.385 / 0.385 प्लस 0.5454। डायरेक्ट आप देखेंगे, डायरेक्ट फार्मूले पर है ये। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन, मोल फ्रैक्शन आ जाएगा जिसको मोल अंश कहते हैं 0.459। आइए चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पर। इसमें दिया गया है कि 30 ग्राम कोबाल्ट नाइट्रेट की मोलरता निकालनी है जब यह 4.3 लीटर में डिजॉल्व हो या 4.3 लीटर में उपस्थित हो। तो 4.3 लीटर डायरेक्ट वॉल्यूम लीटर में दिया हुआ है, हमारी W की मात्रा क्या दी है 30 ग्राम। मोलरता को चूंकि जब मैं थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर रहा था तो मैंने M से शो किया था, इसमें अणुभार को हम M' से शो कर रहे हैं। तो कोबाल्ट नाइट्रेट इंटू SX2O, इसमें 6 जल होते हैं, इनका भार निकाल दीजिए, मॉलिकुलर वेट 310.7 होगा। कोबाल्ट का वेट होता है 58.7, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, तो CONO3 ट्वाइस इंटू SX2O इसका आ जाएगा 310.7। तो क्या क्या दिया हुआ है, W30, मॉलिकुलर वेट 310.7, वॉल्यूम 4.3। डायरेक्ट फार्मूला आपका क्या है, मोलरता का स्मॉल डब्ल्यू बाई M' इंटू वॉल्यूम इन लीटर। मोलरिटी जो है, मोलरता जो है हमारी आ गई 0.0224। देख लेंगे इसको। न्यूमेरिकल 6, बहुत सिंपल लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा। देखिए 30 ml 0.5 H2SO4 को 500 ml तक डाइल्यूट कर दिया गया, तनु कर दिया गया। मतलब हमारा जो रियल कंसंट्रेशन दिख रहा है 0.5 मोलर H2SO4 है और 30 ml है। ये हमारा सवाल का एक पार्ट है और फिर इसको 500 ml तक डाइल्यूट कर दिया, घोल दिया। तो इसमें सीधे हम क्या करेंगे, पहले 30 ml में कितने मोल हैं वो निकालना है मुझको। तो 0.5 मोल का मतलब 0.5/1000, 30 में हो जाएगा तो × 30। तो टोटल जो हमें मोल मिल रहे हैं 0.015 मोल मिल रहे हैं जिससे मुझे मोलरता निकालनी है। तो 0.015 मोल हमारे कितने में उपस्थित है, 500 ml में है। तो मोलरिटी इक्वल टू 0.015/0.5 liter कर दिया, इक्वल टू मोलरिटी इक्वल टू 0.03। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाएंगे। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 8, 18,500 मोलर द्रव्यमान का एक बहुलक है, पॉलीमर जिसको बोलेंगे, बहुलक के 1 ग्राम 30
7 डिग्री सेंटीग्रेड पर 450 ml जल में घोलने पर उत्पन्न विलयन के परासरण दाब की गणना पास्कल में कीजिए। वेरी सिंपल इज मोलर मास 18,500 वन पॉलीमर इज अवेलेबल। वी हैव टू टेक 1 gram ऑफ दिस एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस वुड बी डिजॉल्व इन 450 ml ऑफ वाटर। फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। पास्कल इज द यूनिट। तो R की वैल्यू पास्कल में रख दीजिए, जो हम वायुमंडलीय दाब में रखते हैं पास्कल में रख दीजिए। R की वैल्यू 8.314 × 10³ पास्कल लीटर पर डिग्री पर मोल हो जाएगा। ठीक, आइए क्या क्या दिया हुआ फार्मूला हमें पता है। PI = CRT WRT/mv, ये हमने जब कराया तो बताया मैंने आपको। इसमें देखिए W की मात्रा क्या है, 1 gram है। मोलर द्रव्यमान इसका दिया हुआ है, बहुलक है, 18,500 दिया हुआ है। वॉल्यूम 0.45 लीटर में है, 0.45 लीटर कर दें, मिलीलीटर में है। टेम्परेचर केल्विन में रखना है, 37 को 273 से प्लस कर दीजिए, 310 आ जाएगा। तो ओवरऑल क्या दिया है, W = 1 gram, मॉलिक्यूलर वेट 18,500, वॉल्यूम इज 0.45 लीटर, टेम्परेचर इज 310, R वैल्यू 8.314 × 10³ पास्कल, देन PI = WRT/mv फार्मूले रख दीजिए, फार्मूले वैल्यू एंड यू विल कैलकुलेट इट। परासरण दाब आपका सीधे आ जाएगा 30.96 पास्कल। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 9। इसको खूब ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। इसमें दिया है कॉपर सल्फाइड CuS का जो विलेयता गुणनफल है, नियतांक है, KSP इसको बोलते हैं, उसका मान 6 × 10⁻⁶ है। इसके जलीय विलयन की अधिकतम मोलरता ज्ञात करिए। दिस इज काइंड ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन। कुछ नहीं इसमें, KSP = क्या होगा, CuS को तोड़ दीजिए, इसका KSP होगा Cu2+ कंसंट्रेशन, S-2 कंसंट्रेशन। तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या जाएगी, जो सॉल्युबिलिटी होगी वही इसकी मोलरिटी होगी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, √KSP, क्योंकि कॉपर 2+ कंसंट्रेशन, S-2 कंसंट्रेशन, ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, S का स्क्वायर हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ Cu2+ सॉल्युबिलिटी ऑफ S-2 इट विल बी इक्वल टू S = √KSP। ओके, तो इसमें √KSP की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 × 10⁻⁶ एंड द वैल्यू फाइनली मोलरिटी होगी 2.45 × 10⁻⁸। तो न्यूमेरिकल नंबर 6, न्यूमेरिकल नंबर 9, ये दोनों थोड़ा सा इसमें थोड़ा ढंग से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, से सब डायरेक्ट फार्मूले पर हैं। अगले पीरियड में फिर और प्रॉब्लम्स के साथ मिलेंगे, इनको ध्यान से करते चलिए। धन्यवाद।